हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अजय और आज की इस वीडियो को करते हैं फिर से शुरू। तो वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं क्या है। तो ये मेरे पास एक लाइट आया रिपेयरिंग के लिए, तो मेरा एक पड़ोसी है, उसने दिया है, उसने बोला है कि इसे रिपेयर कर देने के लिए। फ्रेंड्स, मैं इसे रिपेयर कर दूंगा, एक कस्टमर ने दिया। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो गाइस, तो चलते हैं अपने वीडियो पर। फ्रेंड्स, इसका रोशनी देख लीजिए, देखिए रोशनी नहीं दे रहा, कम कम ही दे रहा है। तो मैं इसे रिपेयर करूँगा, तो उसके लिए मैं लूँगा फेविक्विक। तो फेविक्विक काम क्या है, तो आगे वीडियो में बनिए, आपको पता चल जाएगा। तो फेविक्विक क्या करना है, आपको नट बोल्ट पे डाल देना है। तो फ्रेंड्स, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसमें फेविक्विक नहीं है, इसमें ऑयल है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि नट जो है आसानी से खुल जाए और जो भी है हमारा जो नट स्लिप ना हो जाए, तो इससे आसान होता है। तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है ताकि वो जो ऑयल है वो नीचे तक चले जाए। तो अब इस नट को खोल देता हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ठोक दीजिए क्या। तो इसे खोल के मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का पार्ट्स, इसके अंदर का नज़रिया। तो झांक के देखते हैं इसके अंदर का नज़रिया कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्विच है इसका मेन स्विच, और ये इसका सर्किट बोर्ड है जहाँ से चार्जिंग होता है, और ये बैटरी और ये LED। तो फ्रेंड्स, इस बैटरी का हमें वोल्टेज अभी चेक करना है। तो फाइनली मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मल्टीमीटर पर। तो मल्टीमीटर का आपको वोल्टेज 20 वोल्ट पे सेट कर देना है DC। तो मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप मल्टीमीटर पर ध्यान से देखिए कितना वोल्टेज दे रहा है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ हाथ को साइड करके। तो देखिए 4 वोल्ट, तो अप्रोक्सीमेटली 4 वोल्ट दे रहा है। तो ये बैटरी तो ओके है, पर इसका जो एम्पियर है, अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, एम्पियर जो एकदम कम है। शायद इसमें अभी एम्पियर चेक ना हो, पता नहीं, मैं मल्टीमीटर में कुछ गड़बड़ था शायद। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका एम्पियर देख लीजिए, 0.02, बट ये शायद एक्यूरेट एम्पियर नहीं है, इससे थोड़ा ज़्यादा ही है थोड़ा सा। तो आप क्या करेंगे, इसका एम्पियर बढ़ाना है, इसलिए मैं इसका जो कैप है ऊपर का वो हटा दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इसे इसका जो ढक्कन होता है उसको हटा लेना है, और उसमें हमें डालना है बैटरी वाटर। तो बैटरी वाटर डालना है, अभी पहले आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पानी नहीं, कुछ नहीं है। तो यही कारण है, ये देखिए, ये इसका ब्लैक ब्लैक जो होता है बैटरी में जो होता है वो कार्बन वो निकला। तो मैं अभी आपको इसमें डाल के दिखा देता हूँ बैटरी वाटर। तो ये बैटरी वाटर नहीं, नमक वाला वाटर है, मैंने खुद से बनाया है इसे। तो आप ये वाला इस्तेमाल ना करें, आप बैटरी वाटर ले आए मार्केट से, वो ज़्यादा असर करता है, या फिर आप पुराने बैटरी में से निकाल लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। आप अगर घर के इन्वर्टर के बैटरी में से अगर पानी निकाल के डालते हैं तो वो काम करता है, पर ये शायद काम ना करे, पता नहीं, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं करेगा तो लास्ट में हमें एक नया बैटरी लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी डाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए बुलबुला छोड़ रहा है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही से चार्ज कर रखा है, और इसे मैंने बहुत देर तक चार्ज में लगाया था, 6 से 7 घंटे तक। तो इसलिए ये बुलबुला छोड़ रहा है क्योंकि पहले से चार्ज है, लेकिन इसमें पानी नहीं है, तो वही कारण है। तो आप देखते रहिए बुलबुला कैसे किस तरह से छोड़ रहा है। रुकिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो ये आप देख ही रहे हैं बुलबुला छोड़ रहा है, तो मैं आपको वीडियो बना के नहीं दिखा पाया। मुझे एक बात बोलना है कि मैंने इसमें बैटरी पानी डाला, बैटरी का वाटर जो डाला खुद से बना के, वो इसमें काम नहीं किया, और ये लाइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मुझे जो है, अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, इस चार्जिंग करना है, तो इसी से मैंने चार्ज किया, 12 वोल्ट जो चार्जर है उसे चार्ज किया, और जब मैंने चार्ज में लगाया तो इस चार्ज हुआ, और बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और ये काम ठीक से नहीं कर रहा था। तो इसके लिए मुझे एक नया बैटरी लेना पड़ेगा। हालांकि ये बैटरी ठीक हो सकता था, लेकिन मेरे पास वो बैटरी का पानी नहीं था, तो मैंने उस पानी को यूज़ किया खुद से बना के हैंडमेड, तो वो तो काम नहीं किया, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स इसमें आपको वही वाला वाटर यूज़ करना है जो पहले से चार्ज होगा, और जो वही ज़्यादा काम करेगा, ये आपका काम नहीं करेगा ठीक से। तो आप प्लीज़ वीडियो छोड़ के मुझे अभी और भी बात बताना बाकी है। तो इसमें मुझे नया बैटरी लगाना है, और नया बैटरी लगाना है तो जो कस्टमर है वो तो पैसा देना नहीं चाहता है, तो पहले सब पूछना है मुझे कि वो लगवाना चाहता है या नहीं, फिर लगाना होगा तो मैं लगा दूँगा। हालांकि मैं वीडियो के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ और उसके भी लिए ध्यान देना है, और वैसे प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अभी नया बैटरी भी नहीं ले सकता क्योंकि अभी मार्केट में मैं नहीं गया था और ना ही मेरे पास है, तो मैं बाद में लगा के उसे दे दूँगा। तो फ्रेंड्स आप इसका बैटरी चेंज कर लीजिए, सोल्डरिंग आयरन से आप चेंज कर सकते हैं, इसे चेंज करना बहुत ईजी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।